हेलो फ्रेंड, सी जी पी एस सी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रात के 11:22 में एक बच्चे का भी फ़ोन आता है मेरे पास कि सर अभी मेरे को मैसेज आ रहा है करके, इतना पानी गिर रहा है, इतना बरसात हुआ, दिन भर में कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, अभी 11:22 में रात को मैसेज आ रहा है 14 तारीख को कि कल 15 तारीख को आपका दस्तावेज सत्यापन है करके, अब बच्चा कैसे जाए। धन्य है व्यापम का, धन्य है ऐसे जो लोग शिक्षा संचालनालय का है, धन्य चिप्स का है जो ये मैसेज भेज रहे हैं। एक पहले सूचना तो दे देता, कल दे देता, शाम को दे देता, शाम को 6 बजे 7 बजे तक मैसेज आ रहा था, समझ में आ रहा था ये बच्ची मैसेज किए मेरे को, ये जसपुर से है। अब जसपुर से इसको ना ट्रेन है, ना बस है, ना सुबह कुछ चीज़ नहीं है, ये आदमी अब जाए तो जाए कैसे। रात 11:22 इसको मैसेज आ रहा है कि आपका कल 11 बजे डॉक्यूमेंट सत्यापन है शिक्षा भर्ती 2023 में टीचर राउंड 2 पद के लिए, दस्तावेज सत्यापन दिनांक 15 सितंबर 11 बजे, पता दक्ष कमांडिंग कंट्रोल सेंटर प्रीतिकल मल्टी लेवल पार्किंग जय स्तंभ रायपुर को निर्धारित किया गया। अब आप लोग बताइए क्या बोलूँ मैं इसके लिए। रात को 11:30 पे आधे आदमी तो SMS ही नहीं देखेंगे, सबको SMS आया होगा, ध्यान दीजिए आप तुरंत अपना SMS चेक कीजिए, SMS ही नहीं देखोगे आप लोग। सुबह उठोगे कल 10 बजे 11 बजे आप लोग अब मोबाइल छूओगे तो देखोगे तो अरे मेरा 10 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, अब आदमी परेशान होगा तब कैसे करें। तो जितना भी मैसेज देखोगे तुरंत निकल जाना, शाम के 4 बजे तक आपको पहुँचना रहेगा, शाम को 4 बजे 5 बजे तक भी आप पहुँचोगे, शाम के 5 बजे तक चलेगा वो, 5 बजे तक आप पहुँचिए कैसे भी करके, कोशिश कीजिए सभी लोग पहुँचने का जिन लोग को मैसेज आया होगा। और इसको सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जितना भी ग्रुप है, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं देखेंगे यार अभी सबको। 11:30 11 बजे रात को मैं खुद सो गया था, सोने वाला था, फ़ोन आया तो देख लिया, लेकिन कहाँ देखने वाला है, इसमें से कोई ध्यान नहीं देगा, जो अभी दी मैं मोबाइल चला रहा है उसी को पता चलेगा, बाकी किसी को पता ही नहीं चल पाएगा, वो ऐसे ही अनुपस्थित हो जाएगा। तो ऐसा व्यवस्था गड़बड़ वाला कहानी है। ठीक है, यही अपडेट देना था। टीचर का 2nd दस्तावेज सत्यापन 15 सितंबर से, मुश्किल से ये 2 से 3 दिन में पूरा 3 दिन लगेगा, 15, 16, 17 को कर लेंगे, 15, 16, 17 को, उसके बाद थर्ड लिस्ट आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन हम लोग भी चाह रहे थे कि वो जो लिस्ट है थर्ड लिस्ट वो 20 तारीख के बाद आए, 21 तारीख को या 20 तारीख को आए, ताकि जो अपात्र लोग रहेंगे या जिन लोग ज्वाइनिंग नहीं किए, 20 तक ज्वाइनिंग का डेट दिया था ना आपके पहले काउंसलिंग का, जिन लोग ज्वाइनिंग नहीं किए उस पोस्ट को भी मिला के 21 तारीख को निकाले तब ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ऐसे में जिन लोग ज्वाइनिंग नहीं किए वो जुड़ नहीं पाएगा। तो वही है कि 20 तारीख के बाद आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा लिस्ट। ठीक है, बहुत पानी गिर रहा है, बरसात बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बस इतना ही बोलना था आप लोग को। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रात को 12 बजे मैं सो चुका था, लेकिन इतना पानी गिरा उसके बाद भी मैं सोचा कि नहीं वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो को आप लोग जैसे सुबह उठोगे अपना व्हाट्सअप ग्रुप चेक करोगे तो फट से आपको दिखेगा नोटिफिकेशन जा रहेगा कि SMS आ चुका है करके, तो आप लोग तुरंत SMS देख के आप लोग पहुँच जाओगे, क्योंकि कल तो सुबह भी देखोगे आप लोग, तो शाम तक कैसे भी करके रायपुर पहुँच जाओ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग का भी फर्ज है यार, आपको बोला भी था कि आप लोग जितने लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, निःशुल्क तो है, कोई फीस तो नहीं लगता। हम लोग जब रात को 12 बजे उठ के इतना बरसात पानी गिर रहा, आपको सुनाई भी दे रहा होगा पानी गिर रहा इतना ज़्यादा, तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग का फर्ज है ना। जो 70% लोग कौन है जिन लोग नॉट सब्सक्राइबर हैं, आते हैं पूरा वीडियो देख रहे हैं, सब चीज़ रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं, केवल 29% लोग सब्सक्राइब किए चैनल को। तो ऐसा मत करो यार, सपोर्ट करो, हम लोग भी रात को जब के आप लोग के लिए निःशुल्क पूरे जी जान लगा पूरे टीचर बल्ते पूरा करवाने के लिए लगे हुए हैं। अभी 20 तारीख को आंदोलन करना है बहुत बड़ा ना, ध्यान रखिए उसका पूरा प्लानिंग चल रहा है, कल हो सकेगा तो इस बारे में पूरा डिटेल देंगे। कोर्ट केस लग रहा है वो भी ठीक है, कोर्ट केस भी चलेगा, साथ में एक विरोध प्रदर्शन करना है आपको शिक्षा मंत्री के घर में और DPI में जाकर, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसकी पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस बार लास्ट और अंतिम रहेगा, ठीक है कि पूरी तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि आपको इतिहास भर याद रहेगा कि हम लोग लड़ाई लड़ के अपना नौकरी पाए थे करके, अगर आप जा रहोगे तो ज़िंदगी भर गर्व रहेगा कि हम लोग DPI घेराव करके गए हुए थे करके। तो बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है जोर शोर में इस बार लास्ट अंतिम रूप से। ठीक है, टीचर भर्ती वाले सभी लोग तैयार रहिएगा, और इसको देखिए यार, इसको कम कीजिए 70% को, सब्सक्राइब कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं, और सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा ना। मैं बोलूँगा नहीं, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग थोड़ा सा खुद देखिए ना, इतना मेहनत कर रहे हैं दिन भर, रात को 12 बजे वीडियो बना रहे हैं, 70% सब्सक्राइब किए नहीं किए हो, केवल 29% लोग किए हो, तो इसको बढ़ाओ थोड़ा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और किसी को मैसेज आया होगा और कोई परेशानी होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, कभी भी फ़ोन कर सकते हो, पूरा 24 घंटा हम आपके लिए डेडिकेटेड होकर दे रहे हैं। नहीं, कोई भी यूट्यूब वाला आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं देता, मैं आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दिया हूँ, ताकि कोई भी किसी को समस्या हो तो आप
एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी बच्ची रात को 12 बजे कॉन्टेक्ट किए मेरे से, ये मेरा नंबर है 75-83-86-44-100, ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। डायरेक्ट आपके हर परेशानियों का सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। जब मेरे पास समय है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करने का। तो व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 75-83-86-44-61। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।